पंजाबी खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, दसंबर महीने की हड़कंबा देने वाली ठंड विच लखां किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे हुए हन। तीनों खेती कानूनां खिलाफ किसानां दे अंदोलन दा अज 22वां दिन है। किसान वार वार यह दोहरा रहे हैं कि जदों तक कानून वापस नहीं लिए जाते उदों तक सरहदां तो नहीं हिलणगे। उत्थे ही सरकार किसानां नूं मनाउण दी हर कोशिश कर चुकी है। हुण इह मामला सुप्रीम कोर्ट पुज गया है। किसान अंदोलन नूं लै के अज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई होवेगी। बुधवार यानी कि कल केंद्र सरकार, पंजाब हरियाणा सरकार अते 8 किसान जथेबंदियां नूं नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिता सी कि खेती कानूनां दे मुद्दे नूं सुलझाउण लई इक कमेटी दा गठन किया जाए, क्योंकि यह छेती ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना अते जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम दी बेंच ने सालिस्टर जनरल तुषार मेहता नूं कहा सी कि तुहाडी गल्लबात अजिहा लगता है कि गल नहीं बनी है, तुसी कह रहे हो कि गल्लबात लई तैयार हाँ। बेंच ने मेहता नूं कहा कि किसान जथेबंदियों के नाँ दे दिल्ली दीआं सरहदां नूं रोक के बैठे हैं, तो उन्होंने सिर्फ उन्हां लोकां दे नाँ दसे जिन्हां नाल सरकार की गल्लबात चल रही है। इस मामले विच कई पटीशनां दायर कीतियां गईयां हन, जिन्हां च दिल्ली दीआं सरहदां ते विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानां नूं तुरंत हटाउण दी मंग कीती गई है। पटीशन च कहा गया है कि दिल्ली दीआं सरहदां जाम हन, जिस वजह करके आउण जाउण वालियां नूं बहुत परेशानी हो रही है। सो इह सी हुण तक दी वड्डी खबर। होर खबरां देखण लई साडे नाल बने रहो। धन्नवाद।